नमस्कार, मैं मोहम्मद दिलदार अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 48 झारखंड टुडे। खबरें केरेडाड़ी से। केरेडाड़ी प्रखंड के ग्राम चट्टी पेटो में कई लोगों के घरों में बिजली विभाग के द्वारा चार चार बिजली बिल भेजा जा रहा है, वो भी 10,000 5,000 का नहीं बल्कि पूरे 40 से लेकर 50,000 के बीच लगभग 45-45,000 रुपये का बिजली का बिल भेजा जा रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण आज हजारीबाग बिजली बोर्ड के विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या परेशानी है इनके साथ और क्या समस्या लेकर ये मिलना चाहते हैं। क्या कुछ परेशानी को लेकर आज ये लोग यहाँ पर आए हैं? परेशानी ये है कि सभी केरेडारी से हैं, मतलब बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका पेटो गांव के हैं और ये लोग दलित समाज से सभी लोग हैं। और ये लोग का जो परेशानी है, ये लोग काफ़ी दिन से परेशान है कि बिजली विभाग के द्वारा अचानक एक नाम और अलग अलग आईडी, एक एक आदमी के तीन तीन आईडी से बिजली बिल आया है और प्रत्येक में सभी में दिखने को है कि 45-45,000 रुपया का बिल है, बिजली बिल 46-46,000। जबकि जब से मतलब इन लोग का कनेक्शन भी नहीं हुआ है और बिजली तो क्या स्थिति है पूरा इलाका जानता है कि बिजली का क्या स्थिति है, ये लोग कनेक्शन भी नहीं लिया है और बिजली बिल अचानक पहली बार, सबसे बड़ी बात है, अगर ये बिल अगर इन लोग को पहले अगर आता 200 या 50 150 ये 275 जो भी है सरकार का जो बिल का रेंट है, अगर महीने महीने आया होता तो ये लोग दे दिया होता, लेकिन आज पहली बार ऐसा बिल देखने को मिल रहा है। तो ये लोग गरीब है, देखिए ये फुलवा मौसमात है, ये विधवा है, दलित परिवार से है, बेचारी तिहाड़ी मजदूर है, मतलब काम भी जल्दी नहीं मिलता है और ये कहाँ से इसका 46,000 का बिल आया, 46 तिया 20 तिया 60 70 1,75,000 का बिल आया फुलवा देवी का, ये गरीब महिला कहाँ से विधवा दे सकती है। मैं बिजली विभाग के GM साहब, SC साहब, कार्यपालक अभियंता हैं, SDO हैं, JI हैं, सभी कर्मियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र के माननीय विधायिका जी से, अम्बा जी से, यहाँ के सांसद महोदय से कि त्वरित इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो बिजली विभाग ऐसा निजीकरण करके लोगों को लूटने का काम कर रही है। ये प्राइवेट वाले सभी आके और अपना सेटिंग से, ये साई कंप्यूटर वाले कोई है वहाँ उनको काम दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर और ये नजायज तरीके से बिल एक बार इकट्ठा निकाल कर और ये लोगों को मतलब मरने पर मजबूर कर रहे हैं। इससे क्या है कि एक दो आदमी गांव में मर भी गया है। आज एक एक आदमी को तीन तीन बिल जेनरेट हो गया है, काफी परेशान है लोग और आपके पास मिलने के लिए आया हुआ था, उन लोगों ने आपको बिल भी दिखाया है, इनका क्या समाधान होगा? अभी जो है केरेडारी प्रखंड से विद्युत समस्याओं को लेकर के उपभोक्ताओं का जो है यहाँ आगमन हुआ है, सभी की समस्याओं को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत जल्द ही सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो एक विद्युत शिकायत निवारण शिविर का आयोजन की जाएगी, तत्पश्चात सभी उपभोक्ताओं से शिकायतों को लेकर के उसकी समस्याओं, जेन्युइन समस्याओं को दूर की जाएगी, ये हमारी तरफ से प्राथमिकता रहेगी।